तो सुबह सुबह अगर गुनगुना पानी पिया जाए तो वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन उसके साथ अगर आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ ले और एक चम्मच हनी दे दे तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। और इसीलिए मेरे फ्रिज में हमेशा नींबू दिख जाएगा आपको, लेकिन नींबू को हर रोज़ बाज़ार से लाना तो संभव नहीं है, उसे स्टोर करना पड़ता है। और कभी कभी नींबू बड़े ख़राब से हो जाते हैं, उसमें काले धब्बे आ जाते हैं या वो थोड़ा सा सड़ने लगता है। तो मैंने सोचा आज डिस्कस कर लूँ कि मैं कौन सा तरीका अपनाती हूँ नींबू को हमेशा के लिए फ्रिज में अच्छे से रखने के लिए, या फिर कौन कौन से और तरीके भी हो सकते हैं। फ्रेश लेमन्स को अच्छे से धो लें, सूखे कपड़े से घिस कर सुखा लें। जो पहला ट्रिक है उसमें लेना है जिपर बैग, इसमें सारे लेमन्स को डालिए और इस तरह डालिए कि उस बैग में और हवा न रहे। जब भी नींबू चाहिए इसमें से एक एक नींबू निकालिए, फिर से पैक कीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। दूसरी ट्रिक में हम ग्रीस करेंगे, चाहे कोई भी तेल ले लीजिए, मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लीजिएगा और इस तरह सारे नींबूओं को घिस लीजिए, ग्रीस कर लीजिए। अब किसी भी कंटेनर में, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर ग्लास का हो या स्टील का हो, इन्हीं नींबूओं को अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। कंटेनर में भर के पानी लीजिए ताकि जब आप इसमें नींबूओं को रखें तो वो पूरी तरह डूब जाए। कवर करके फ्रिज में रख लीजिए। हर एक हफ्ते में पानी चेंज करना ना भूलिएगा। ये फोर्थ ट्रिक है। पिछले वाला जो ट्रिक था जिसमें पानी और नींबू रखे थे उसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। वाइट विनेगर प्रिजर्वेटिव जैसा काम करेगा और नींबूओं को फ्रेश रखेगा और ज़्यादा दिनों के लिए। इस ट्रिक में हम नींबूओं को टिश्यू पेपर से रैप करेंगे। और फिर सूखे कंटेनर में इसे रख कर कवर करके फ्रिज में रख देंगे। लेमन्स को ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने का ये हमारा सिक्स्थ ट्रिक है। इसमें इन लेमन्स के स्लाइसेस करेंगे। और फिर इन्हें डीप फ्रीजर में रख देंगे। One eternity later. ये बिल्कुल फ्रीज होकर हार्ड हो गया है। अब इन्हें कंटेनर में रख के वापस फ्रीजर में ही स्टोर कर देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी निकालिए, थोड़ा गर्म पानी में डालिए और फिर यूज़ कीजिए। ये भी एक ट्रिक है। नींबू को या फिर नींबू के रस को बहुत दिनों तक हम यूज़ कर सकते हैं। पहले नींबू को स्लाइसेस करेंगे, उसका रस निकालेंगे और इन लेमन जूस को कलेक्ट करके फ्रिज में रख लीजिए। जब ज़रूरत पड़ेगी आप निकालिए और इसे यूज़ कीजिए। इस ट्रिक में लेमन जूस को ज़्यादा दिनों तक रखने का या फ्रेश रखने का एक और तरीका है। आइस ट्रे में लेमन जूस को डालिए और इसे डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए।
One eternity later. ये देखिए आपको मिल गए लेमन आइस क्यूब्स। बस इस बात का ध्यान रखें कि स्टोर करते वक्त इसे फ्रीजर में ही रखें ताकि ये आइस क्यूब्स बने रहे। और ये हमारा 9th ट्रिक। इसमें पहले लेमन को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, लेमन के जो बाहर के छिलके हैं ना उसको ग्रेट कर लेंगे, पूरा येलो पार्ट निकाल लेंगे। देखिए फाइनली ये ऐसा बन जाता है। सारे लेमन्स को इस तरह टुकड़े में काट लेंगे। इसमें नमक मिलाएंगे, हल्का सा हिला दीजिए ताकि नमक हर नींबू के स्लाइसेस पर लग जाए। अब इसे पैक करके फ्रिज में रख लीजिए, जब ज़रूरत पड़े निकालते रहिए, यूज़ करते रहिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कौन सा प्रोसेस अपनाती हूँ, तो ये रहा वो प्रोसेस। मैं ज़्यादातर नींबूओं को कागज़ में लपेट कर उसे रख देती हूँ, एंड बिलीव मी ये कई हफ्तों तक रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले जो मुझे परेशानी होती थी सड़ जाने का या फिर काले धब्बे आ जाने का या पानी सूख जाने का, नींबूओं के वैसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए ये एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और नींबू अभी भी फ्रेश दिख रहे हैं। मैं तो थकी गई। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, ताकि जो जानकारियाँ मुझे हैं वो आप तक भी पहुँचे। बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। तब तक गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।